नमस्कार। देश हरियाणा के इस पेज पर आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया। मेरा नाम लक्ष्मण यादव है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। और आज इस पेज पर अब मुझे अपनी बात रखने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, सुभाष जी का शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विपरीत परिस्थिति में, इस महामारी के दौर में आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप इस बातचीत का विषय जो मुझे दिया गया है, सवालों के घेरे में आरक्षण। तो आज हम लोग इस मसले पर बातचीत करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि शुरू में जो बातें मुझे कहनी हैं वो आपके बीच में रखूं, और उसके बाद अगर आपके कोई सवाल होंगे तो हम सवालों के जरिए बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो बातचीत शुरू करते हैं। सवालों के घेरे में आरक्षण, इस विषय पर बात करने के लिए जब हम शुरुआत करें तो दो सवाल इस विषय से निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल आरक्षण की संकल्पना से और सवालों के घेरे के साथ अपनी बातचीत शुरू करता हूं। आरक्षण एक ऐसी अवधारणा है जिसको लेकर के आज जब हम बातचीत शुरू करते हैं तो हर एक व्यक्ति के मन में आरक्षण को लेकर के कोई न कोई, और हम अपनी बनी हुई धारणाओं के आधार पर आरक्षण को लेकर के विश्लेषण करते हैं। यह आरक्षण की पूरी बहस के साथ सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा पूर्व आग्रह, हमारी पूर्व धारणाएं आरक्षण जैसे शब्द को सुनते ही जागृत हो जाती हैं, और हमारे मूल्यांकन का एक साधारणीकरण तरीका यह होता है कि जो आरक्षण के लाभार्थी हैं वे आरक्षण के हर तरीके से संभव बचाव की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। और आम तौर पर एक साधारणीकरण यह है कि जो आरक्षण के लाभ के दायरे से बाहर हैं, आम तौर पर वे लोग आरक्षण के विरोध के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, और पूरी बहस आरक्षण की इसी आधार पर चलती है। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप अपना लिटमस टेस्ट खुद करिए। सबसे पहले जैसे ही आपके जहन में यह शब्द उभरता है आरक्षण, आपके भीतर स्वतः स्वाभाविक प्रतिक्रिया पहली क्या निकलती है? फिर दूसरा लिटमस टेस्ट यह किया जाना चाहिए कि हमारा जो एक वृत्त है, जो हमारा एक जिस घेरे में हम रहते हैं, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा कार्य क्षेत्र, उस दायरे में आप सामान्य विषयों पर बात करें तो लोगों की प्रतिक्रियाएं कितनी मिलीजुली आती हैं, और फिर एक दिन आप आरक्षण शब्द पर बहस करें, आरक्षण के कॉन्सेप्ट पर बहस करें, तब देखें कि क्या वही लोग उसी तरह का एक रैशनल, लॉजिकल, साइंटिफिक अप्रोच से क्या इसका विश्लेषण करते हैं या पूर्व धारणाएं हावी हो जाती हैं। इस लिटमस टेस्ट से हमें आरक्षण की पूरी बहस को समझने का मौका मिलेगा।
और तब यह बात समझ में आएगी कि मैं यह आरोप क्यों लगा रहा हूं कि जो लाभ की प्रक्रिया है उससे निर्धारित होता है कि हम आरक्षण के समर्थन में खड़े हैं या आरक्षण के विरोध में खड़े हैं। और यह लाभ की प्रक्रिया आपकी अपनी पहचान से जुड़ी हुई होती है, वह पहचान जातिगत केंद्र में है। अब इसके बाद दूसरे स्तर पर आते हैं। आरक्षण शब्द को पिछले 70 साल के आजाद भारत के इतिहास में इस तरीके से खड़ा किया गया, राजनीतिक विमर्श में, अकादमिक विमर्श में या सामाजिक विमर्श में, कि यह आजाद भारत के कुछ सबसे ज्यादा विवादित विषयों में से एक विषय बन गया। अब इस विवाद की वजह क्या है? इस विवाद की आधी वजह तो मेरे पहले बिंदु में है कि लाभार्थी समूहों से तय होने लगा कि आरक्षण का विश्लेषण कैसे किया जाएगा। हमें लाभ मिलेगा तो हम उसके पक्ष में खड़े होंगे, हमें लाभ नहीं मिलेगा तो हमें आरक्षण दुनिया की सबसे बुरी प्रणाली मानना तय है। ये दूसरा मेरा सवाल है। और तब मैं अपनी बात कहने पर आता हूं कि हम आज की बातचीत में एक हिस्से में बात करेंगे कि आरक्षण की अवधारणा क्या है, उसके दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि आरक्षण के लाभ क्या हुए, क्या हानियां हुई, और तीसरे हिस्से में आकर के हम इस पे बात करेंगे कि आज आरक्षण किन सवालों के घेरे में है, और तब फिर आपके सवालों पर बात होगी। मेरा पहला वाक्य आरक्षण से जुड़ा हुआ यह है कि आरक्षण दुनिया के इतिहास का एकमात्र और सबसे प्रमुख उदाहरण इस बात का है कि आरक्षण के अलावा कोई ऐसी दूसरी प्रणाली आज तक विकसित नहीं हुई जिसने इतने कम वक्त में इतने बड़े समूह के साथ सदियों की वंचना के बावजूद आमूल चूल परिवर्तन पैदा किया है। आप इस वाक्य को सुनकर के थोड़े असहज हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने वाक्य को फिर से दोहराता हूं कि दुनिया के इतिहास में दूसरी कोई भी धारणा, अवधारणा, दूसरी कोई भी नीति इतनी सफल नहीं हुई जिस जितनी सफल आरक्षण है, क्योंकि इसने बेहद कम वक्त में बहुत बड़ी आबादी की सदियों पुरानी वंचनाओं को आमूल चूल परिवर्तनों के चलते बदला है। अब मैं अपनी बात सिद्ध करता हूं कि मैं यह बात क्यों कह रहा हूं। अब हम सोचें कि हम आखिर में एक कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं, कैसा समाज हमारे सपनों का समाज हो, हमारा यूटोपिया क्या है। तब हमारे सामने एक ही बात आती है, समानता पर आधारित समाज। समानता किसकी? अवसरों की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की, सबके लिए उपलब्धता। तो जैसे ही हम ये कहते हैं कि समानता, तो अगला प्रश्न यह निकलता है, यानी कि विषमता कहीं है? तभी तो समानता की बात करनी पड़ रही है। फिर हम कहते हैं कि जो विषमता है उसे चिन्हित किया जाए, उस विषमता को दूर करने का एक ठोस जरिया निकाला जाए, तो हम अतीत का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद हम विश्लेषण करते हैं कि हमारा वर्तमान कैसा है, क्या आज भी वे विषमताएं कायम हैं, कि उन विषमताओं को दूर करने के जो तरीके अपनाए गए उन्होंने कितना असर पैदा किया है। और फिर तीसरा चरण इसका होता है कि हमारा यूटोपिया, हमारा आदर्श समाज जैसा बनना चाह रहा है, क्या हमारी दिशा वैसी ही है। अब ये तीन हिस्से हैं। फिर आते हैं अपने पहले बिंदु पर कि असमानता का अर्थ क्या है, असमानता किन किन मानी में है। तो हम अपने आसपास के अनुभवों से, अपने अतीत के अनुभवों से ये जानते हैं कि असमानता के कई आधार हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे बुनियादी असमानता है आर्थिक गैर बराबरी की।
यानी कुछ लोगों के पास संसाधन ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा लोगों के पास संसाधन बहुत कम है। दूसरी असमानता लैंगिक आती है, यानी लैंगिक आधार पर पितृसत्तात्मक समाज ढांचा बनने के चलते पुरुष सत्ता काबिज हो गई, पितृसत्तात्मक समाज बना और लैंगिक आधार पर एक खेमे के लोगों को संसाधन, अवसर और तमाम तरह की सुविधाओं में ज्यादा मिला और दूसरे लोगों में वह बहुत कम मिला लैंगिक आधार पर। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया में ऐसा हुआ, गरीबी और लैंगिक विभाजन दुनिया में है। भारत के संदर्भ में जब हम बात करें तो यहां एक तीसरा विभाजन बहुत बुनियादी अर्थों में काम करता है और वह तीसरा विभाजन है जाति का। दुनिया के किसी देश में ऐसी अनूठी व्यवस्था नहीं है कि आप किस जाति में जन्म लेंगे इससे निर्धारित होने लगे कि आपको किन किन चीजों में विशेषाधिकार प्राप्त हो गया और किन किन अवसरों से आप वंचित कर दिए गए मात्र इस वजह से कि आप अमुक जाति में जन्म लेते हैं। ये असमानता का भारत में सबसे बड़ा आधार बना और उसके बाद यह तय करना कि लैंगिक असमानता और आर्थिक असमानता के भीतर जाति की असमानता किस तरह से काम करती है। अब एक उदाहरण लेते हैं। हम भारतीय लोग आमतौर पर, मैं पहले ही कह रहा हूं कि अपनी पूर्व धारणाओं को थोड़ी थोड़ी देर बाद हावी करिएगा, अभी सोचिए। दुनिया के तमाम देशों में रंग के आधार पर भेदभाव हुआ, कुछ लोग श्वेत और कुछ अश्वेत। तो श्वेत वर्ण में, श्वेत रंग में पैदा होने के नाते उन जातियों को, उन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त हो गया और अश्वेत लोगों को मनुष्य होने की बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी अवसर से वंचित कर दिया गया। और इसके चलते भारत, यह इतिहास जानता है कि दुनिया में 1776 में अमेरिकी क्रांति के बावजूद, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है, उसके पहले अमेरिकी क्रांति, लेकिन अमेरिकी क्रांति के बाद तेजी से भारत, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र आता है कि हम एक बराबरी का न्यायपूर्ण समाज बनाएंगे। लेकिन वह अमेरिका अपने नस्लीय भेद को नहीं मिटा पाया और 1964 से 1968 के बीच उसे गृहयुद्ध झेलना पड़ा और जिस अमेरिका ने अपने यहां राष्ट्र प्रमुख के बंगले का नाम ही व्हाइट हाउस रखा था, उस अमेरिका में इतना परिवर्तन हुआ कि एक ब्लैक वहां का प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन इसके लिए गृहयुद्ध झेलना पड़ा। अमेरिकी क्रांति के बाद दशकों तक, सदियों तक इस सवाल को लगातार उपेक्षित किया गया कि रंग के आधार पर भी भेदभाव हो सकता है, जबकि अमेरिकी समाज में सार्वजनिक जीवन का सारा विभाजन ही रंग के आधार पर था। और याद रखिएगा कि उस नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जो आंदोलन ब्लैक्स ने शुरू किया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का वो भाषण सुनना चाहिए आपको जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, उस आंदोलन में व्हाइट्स ने बढ़ चढ़ करके अपने समाज सुधार के लिए आंदोलन खड़ा किया और कहा कि ब्लैक को उनका राइट मिलना चाहिए, हमारे शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक जीवन में ब्लैक और व्हाइट मिलके रहे। भारत में जाति को तोड़ने और जाति के विनाश के लिए उस तबके के बीच से ठोस कदम नहीं उठाए गए जिस तबके को जाति के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त था। अब आते हैं भारत के ऊपर। अब भारत में इस, मैं क्यों कह रहा हूं कि सबसे बुनियादी विभाजन जाति के आधार पर हुआ। अब एक उदाहरण लेते हैं। जाति के आधार पर भेदभाव कैसे हुआ, जाति बनी कैसे, ये लंबा डिस्कोर्स है, आप सब जानते होंगे कि पहले कर्मणा जाति व्यवस्था, फिर उसे जन्मना बनाया गया और उस जाति व्यवस्था में वर्ण आश्रम व्यवस्था के धार्मिक शास्त्रगत आधार पर उस वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया और धार्मिक शास्त्रों के उल्लेख के जरिए यह तय किया गया
कि अमुक अमुक पेशे में काम करने वाले लोग द्विज होंगे, ऊंची जाति के होंगे, और उसके बाद बाकी लोग शूद्र होंगे। तो द्विज और गैर द्विज का विभाजन किया गया, और गैर द्विज को शिक्षा से, जमीन के अधिकार से, सार्वजनिक संपत्तियों के प्रयोग से, हर चीज से वंचित रखा गया और अछूत अस्पृश्य का दर्जा दिया गया। यह जाति का विभाजन। धर्म ने इस पूरे विभाजन पर एक मुलम्मा ऐसा चढ़ाया कि यह पूरा विभाजन दैवी उत्पत्ति से है। विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। ये एक मिथकीय कहानी रची गई और सदियों से यह परंपरा आगे बढ़ती गई। लगातार भारतीय सनातन परंपरा में इसका विरोध हुआ और गौतम बुद्ध के यहां 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहला समाज सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन हम देखते हैं। बौद्ध और जैन लगातार इस सवाल को उठाते हैं। फिर उसके बाद शंकराचार्य का वक्त आता है। हिंदू धर्म अपने इस कर्मकांडी आकार को बार बार सुधार करता है इतना कि विरोध की आवाजें दब जाएं। तो शंकराचार्य का दौर आता है, उसके पहले दक्षिण भारत में अलवार नैनार और तमाम लोगों का दौर आता है। फिर शुरू होता है भक्ति आंदोलन। कबीर, रैदास, नानक, दादूदयाल, तमाम संतों की एक परंपरा निम्न जातियों के बीच से पैदा होती है, जो इस बात का मुखर विरोध करती है कि तुम कत बाभन, हम कत सूद, हम कत लोहू, तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। तो कबीर के रूप में एक बड़ा फिलोसफर हमारे सामने आता है। लेकिन हम देखते हैं कि फिर से भक्ति आंदोलन का पतन होता है और फिर महाराष्ट्र में पेशवाई आंदोलन जातिगत शोषण और जातिगत अमानवीयता का चरम पैदा करती है, जब गले में मटका टांग करके, पीठ पर झाड़ू बांध करके, सार्वजनिक जगहों से बहिष्कृत करके अस्पृश्य जातियों को अमानवीय जीवन थोप दिया जाता है। और उस पेशवाई समाज के खिलाफ मराठा आंदोलन, शिवाजी का पूरा गैर ब्राह्मणवाद का एक आंदोलन शुरू होता है। और उसके बाद आजादी के आंदोलन के पहले, जिस समय आजादी की लड़ाई इस बात के लिए शुरू हो रही थी कि सांप्रदायिक साम्राज्यवादी ताकत बाहर जाए, उस समय ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि हम लोग जो शूद्र और अतिशूद्र हैं, इनको मनुष्य होने की गरिमा प्राप्त हो। और उन स्कूलों से पढ़ने के बाद वो एक एक व्यवस्थित ढांचा बनता है। दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी पेरियार, नारायण गुरु और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर भारत में फिर से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रूप में जाति का सवाल तेजी से मुखर होता है। जंगे आजादी के वक्त, जहां पूरे आजाद हिंदुस्तान की लड़ाई इस बात में सिमटी थी कि अंग्रेज बाहर चले जाएं, स्वराज हो जाए, स्वदेशी हो जाए, उस समय अम्बेडकर, पेरियार और तमाम विचारक यह सवाल उठा रहे थे, अगर अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के नाते हमें पहली बार शिक्षा का मौका मिला, हम अपनी जाति के वंचना के खिलाफ बोलने लगे, कहीं ब्राह्मण राज तो फिर से स्थापित नहीं हो जाएगा। और इसके लिए समानांतर संघर्ष चलता है। गांधी अम्बेडकर का विवाद है, आपको उसमें एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए, गांधी एक था डॉक्टर एक था संत, अरुंधति रॉय की किताब है, इसको पढ़ना चाहिए, गांधी और अम्बेडकर का विवाद। और महात्मा गांधी ये स्वीकार करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के इस लेख के चलते जाति का विनाश, जो 1936 में उन्होंने लिखा था, आर्य समाजी आंदोलन जाति पात तोड़क मंडल का चल रहा था। और उसके पूरा इतिहास आगे बढ़ता है, हिंदुस्तान आजाद होता है, संविधान बनता है और उसमें प्रावधान ये किया जाता है कि जिन जातियों की संख्या 15% है अनुसूचित जनजातियों की, अनुसूचित जातियों के लोग 1.5% भी नहीं है तो उनको उनकी आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देखा जाए। जिन जातियों की संख्या 7.5% है उनको, आदिवासियों को उतना दिया जाए। आर्टिकल 340 में ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, मंडल कमीशन लागू होता है और मंडल कमीशन के बाद ओबीसी को, जो कि 1931 की जाति जनगणना के अनुसार 52% लोग थे, उन्हें 27% आरक्षण दिया गया। तो ये हुई पृष्ठभूमि आरक्षण लागू करने की। शुरुआत की थी छत्रपति शाहू जी महाराज ने, और छत्रपति शाहू जी महाराज ने क्यों आरक्षण शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके मंत्रिमंडल में केवल एक ही जाति के लोग मंत्री हैं और वो थे ब्राह्मण।
और साहू जी महाराज 1909-1910 के आसपास, और उसी समय कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी उसका पूरा नेतृत्व एक जाति के हाथ में था, ब्राह्मण। महात्मा गांधी के आगमन के बाद बनिया जाति उसमें जुड़ती है। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि मैं इतना जाति को लेकर के क्यों दबाव डाल रहा हूं, क्या जाति ही एकमात्र सच है? अब मैं उस मसले पर आता हूं। हिंदुस्तान आजाद हुआ, भारत में सबको बराबरी का हक मिला, डॉक्टर अंबेडकर का कथन साबित हुआ कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन अगर ये सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता, आर्थिक विषमता सही नहीं हुई तो यह लोकतंत्र चलेगा नहीं। फिर आरक्षण का प्रावधान आया। अब आते हैं आरक्षण के पूरे इस डिबेट में। मैंने आपको कहा कि आज आप एक सवाल पूछिए कि आज आप 40 लोगों का अपने अपने परिवार के रिश्तेदारों का एक आंकड़ा जुटाइए, जिस भी जाति के आप हैं, और उन 40 लोगों में कई पीढ़ी के लोग हो सकते हैं, 2-3-4 पीढ़ियों के आंकड़े जुटाइए। आप देखेंगे कि अगर आप ब्राह्मण परिवार के हैं, क्षत्रिय परिवार के हैं, वैश्य परिवार के हैं, तो उन 40 लोगों में जो अनुपात होगा शिक्षित होने और नौकरी में होने और जमीन का होना, तीन चीजें मैं बना रहा हूं, शिक्षा, नौकरी और जमीन की हिस्सेदारी यानी संपत्ति। और उसके बाद आप अगर आप ब्राह्मण जाति के हैं, सवर्ण हैं, तो आप अपना आंकड़ा ईमानदारी से बनाइए, और फिर एक उस व्यक्ति के आंकड़े को देखिए जो पिछड़े वर्ग का है, और उसको खोजिए क्या उतनी मात्रा में उनके लोग हैं, रिश्तेदार, परिवार वाले, दोस्त मिला करके। फिर एक दलित का आंकड़ा बनाइए, फिर एक ओबीसी का आंकड़ा बनाइए, एससी का आंकड़ा बनाइए, फिर उसमें खोजिए कि कितने लोग शिक्षित थे, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोगों के पास यह आत्मविश्वास था कि यह देश उनका है, इस देश के संसाधनों पर उनकी हिस्सेदारी है, उनके साथ जाति के नाम पर कभी अछूत होने का भेदभाव ना हुआ हो, पीढ़ियों में जाति के नाम पर उनसे यह नहीं कहा गया हो कि आपकी जाति यह है इसलिए आपको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, आपकी जाति अमुक है इसलिए आपको जमीन की हिस्सेदारी पाने का हक नहीं है, आपकी जाति अमुक है इसलिए आपको मंदिर में जाने का हक नहीं है, आपकी जाति अमुक है इसलिए आपको यह हक नहीं है। यह है कल्चरल कैपिटल। अब आप यहां से सोचिए कि क्या कल्चरल कैपिटल के लिहाज से इकोनॉमिक कैपिटल और अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात क्या जाति के नाम पर नहीं हुई? यह आपको विश्लेषण करना है। अब अभी मैं देख रहा था एक सवाल आया कि यह सब पुरानी बातें, तो आज नई बातों पे आते हैं कि जब आज भी हम देखते हैं, मैं एक आंकड़ा पढ़ता हूं आपके सामने कि 83 ब्यूरोक्रेसी में कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और उन 83 लोगों में 3 ST हैं, 6 SC हैं और 0 OBC हैं। मैं उच्च शिक्षा का आंकड़ा आपके सामने पढ़ता हूं, इंडियन एक्सप्रेस का आंकड़ा है आज का, 16 जनवरी 2018 को इंडियन एक्सप्रेस में यह प्रकाशित हुआ है कि विश्वविद्यालयों में से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के आंकड़े हैं ओबीसी 0%, एससी 3.47%, एसटी 0.7%। आरक्षण कितना मिला है एससी एसटी ओबीसी को? 49.5%। जाति के आधार पर आरक्षण मिला है और इनकी हिस्सेदारी कितनी है? 4.37% प्रोफेसर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो कैबिनेट सेक्रेटरी में कुल 496 कुलपति हैं विश्वविद्यालयों में, जिनमें 6 कुलपति हैं एससी के, 6 कुलपति हैं एसटी के जो 5, 36 कुलपति हैं ओबीसी के, और पूरा मिला ले तो लगभग 450 कुलपति हैं जो अपर कास्ट है। क्या आपको यह अजीब नहीं लग रहा? और यह आज के आंकड़े में बता रहा हूं आपको, मीडिया का आंकड़ा मैं बताता हूं। मीडिया के आंकड़े में जो ब्यूरो चीफ लेवल के जितने भी नेशनल मीडिया है उसमें 86% अपर कास्ट लोग हैं, जो तय करते हैं कि किसकी खबरें दिखाई जाएंगी और किसकी खबरें नहीं दिखाई जाएंगी।
सेकेंड लेवल है मीडिया का, जिसमें 78% अपर कास्ट है, जिनकी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन पर भी बात कर देते हैं। 1931 के कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस आखिरी बार 1931 में ही हुआ था, उसके बाद तो पता ही नहीं हमें कि जातियों की संख्या कितनी है। तो जातियों के हिसाब से 52% ओबीसी जातियां हैं। 1950 के आंकड़े के हिसाब से, 1930 का ही, 31 का ही आंकड़ा है, 50 में भी इसके आधार पर आरक्षण दिया गया, 15% एससी है, 7.5% एसटी है। तो ये कितने हो गए, जोड़िए 52 और जो कि 54-55% आज ओबीसी का आंकड़ा है, आबादी ओबीसी की 55% के आसपास है, और 22.5% का बढ़ करके 23-24% एससी और एसटी है, और ये तीनों मिलाकर के 80% है। और हम लोग ये आंकड़ा कहते हैं कि अगर आज कास्ट सेंसस हो जाए तो 85% के आसपास एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में, जो एससी एसटी ओबीसी है जिसे हम पसमानदा कहते हैं मुसलमानों में, सिखों में है, जो इन जात इन धर्मों में भी है एससी एसटी ओबीसी, और इन सबको मिला लें तो 85% है। 5 फुट से ज्यादा ऊंचे जो लोग हैं उनको हम खेल कूद में भाग नहीं लेने देंगे। 500 साल तक ये इतिहास चलता रहा, 500 साल बाद समाज बदलता है और फिर ये नियम बनाया जाता है कि नहीं भाई, ऊंचाई के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबरी का हक मिले। तो 500 साल जिनकी लंबाई ज्यादा होने के नाते मौका नहीं मिला, क्या उनमें वही आत्मविश्वास होगा जिनको मौका लंबाई के आधार पर बाहर करने का नहीं था? तो क्या उनके लिए विशेष प्रावधान होगा कि नहीं? और जब आप नियम बनाएंगे तो क्या यह नियम बनाएंगे क्या कि नहीं, लंबाई कोई पैमाना नहीं? आप ये तो कहेंगे ना कि 500 साल जिनको लंबाई ज्यादा होने के नाते मौका नहीं मिला उनको हम विशेष मौका देंगे। आइए इस मसले को दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको परिवार में एक एक सबको एक कपड़ा देना है तो क्या आप सबको कहेंगे कि एक ही नाप का कुर्ता है सब लोग पहने? नहीं ना, आप सबके नाप के हिसाब से कुर्ता देंगे। बच्चा है तो छोटा कुर्ता, बड़ा है तो बड़ा कुर्ता। तो यह समानता हुई क्या? समानता अवसर में समानता है कि कुर्ता तो सबको चाहिए, लेकिन एक ही जैसा कुर्ता, एक ही नाप का कुर्ता, अगर समानता की बात होगी तो सबको बराबर देना होगा। इसलिए समानता की संकल्पना दूषित है जो आपके मन में है, जो आरक्षण के विरोध में सोचते हैं। मैं आपको मतलब उस तबके को संबोधित कर रहा हूं। तीसरा उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए एक 100 मीटर की रिले दौड़ है, उसमें एक व्यक्ति जो सदियों से चलने का ही मौका जिसको नहीं मिला था, अचानक आपने उसको कहा कि रेस है, ओपन रेस है, मेरिट पर आधारित रेस है, न्यायपूर्ण रेस है, जो दौड़ के जीत जाएगा वो दौड़ जीत जाएगा, और दौड़ में आपने उसेन बोल्ट के साथ उस व्यक्ति को खड़ा किया है जिसको सदियों से मनाही थी कि तुम अपने पैर पर चलोगे। क्या यह दौड़ समानता की दौड़ है? अब रिले दौड़ में होता क्या है कि कभी आपने देखा होगा रिले दौड़ में चक्कर लगते हैं, गोल चक्कर, तो जो सबसे छोटे वृत्त पर होता है वह सबसे आगे से दौड़ना शुरू करता है, जो सबसे बाहर के वृत्त पर होता है वो सबसे बाहर सबसे पीछे से दौड़ना शुरू करता है। उल्टा मैं बोल रहा हूं, सबसे अंदर वाला सबसे पीछे से दौड़ेगा, सबसे बाहर वाला सबसे आगे से दौड़ेगा। इसकी वजह क्या है पता है? कि छोटा वृत्त आकार में छोटा होता है और बड़े वृत्त की दूरी, परिधि बढ़ जाती है, तो जितनी दूरी बढ़ जाती है उतनी दूरी से पहले उसको छूट मिल जाती है कि आप इतनी दूरी आगे से रेस शुरू करते हैं। यह है अवसर की समानता। तो जब आपके देश में सदियों से जाति के नाम पर यह तय किया गया कि आपको शिक्षा का हक है कि नहीं है, आपको जमीन पाने का हक है कि नहीं है, आपको सार्वजनिक स्थलों पर चलने का हक है कि नहीं है, आपको सार्वजनिक संपत्ति खरीदने का हक है कि नहीं है, आपको कल्चरल हेजिमनी पाने का हक है कि नहीं है, आज आप अचानक से कहते हैं कि नहीं भाई, इक्वालिटी का मतलब होता है सब बराबर। इसलिए अंतिम बात, भेदभाव अगर आपका जिस पैमाने पर होता है, आप जब उस भेदभाव को मिटाने जाएंगे तो उसी की दवा तो करेंगे। आपके यहां गरीब होने के नाते किसी को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया क्या?
आप क्या गरीब होने के नाते शिक्षा से वंचित हो सकता है, लेकिन गरीब होने के नाते वो स्कूल में न जाए, उसको सार्वजनिक टीचर न पढ़ाए, उसको सार्वजनिक जगह पर पानी न पीने को मिले, गरीब होने के नाते सार्वजनिक सड़क से न चले, ऐसा क्या संभव था क्या? भारत में जाति के नाम पर यह किया गया। तो वंचना अगर जाति के नाम पर है सदियों की, तो विशेषाधिकार का आधार भी तो जाति बनेगी। आपके घर में एक बच्चा कुपोषण का शिकार है, एक बच्चा संतुलित है, एक बच्चा हृष्ट पुष्ट है, क्या आप भोजन तीनों को बराबर देते हैं क्या? क्यों तो आप तो फिर तो आप अन्याय करते हैं। अगर आप कुपोषण के शिकार बच्चे को दो रोटी ज्यादा देते हैं, अगर आप सामान्य व्यक्ति, सामान्य समझ वाले, सामान्य शारीरिक आकार वाले व्यक्ति को आप कहते हैं कि नहीं तुम तीन रोटी खाओ, कुपोषण के शिकार को आप कहते हैं चार रोटी खाओ, और जो अति पोषित है उससे आप कहते हैं तुम दो रोटी खाओ क्योंकि तुम्हारे लिए यही उचित है, तो क्या आप न्याय करते हैं क्या? लेकिन जैसे ही जाति का सवाल आता है हम इस बात को एकदम से नकारने लगते हैं कि नहीं भाई आरक्षण जाति के आधार पर क्यों दे रहे हैं, अब तो जातिवाद बढ़ा रहे हैं। अब आइए, ये तर्क आप समझ गए होंगे कि आरक्षण का आधार जाति क्यों है। सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन के वजह से जिनको जातियों के आधार पर वंचना मिली उन्हें जाति के आधार पर ही तो आप बराबर करेंगे, ठीक। अब दूसरी बात कि जाति के आधार पर अगर आरक्षण मिला तो किसके लिए मिला, सवाल आता है। आरक्षण तो भाई आप एक तर्क आप समझ जाइए, हालांकि अब 2019 में दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकारों ने जाति के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया। आरक्षण किस मसले में मिलता है मैं आपसे सवाल करता हूं। आरक्षण दो जगह मिलता है, शिक्षा में, रोजगार में। शिक्षा में कहां आरक्षण मिलता है? केवल सार्वजनिक संस्थानों में, यानी जो सरकारी शिक्षा है। और रोजगार में कहां मिलता है? जो सरकारी नौकरियां हैं। अब आप देखिए कि आरक्षण के क्या फायदे हुए। आप कोरोना से मैं इसका उदाहरण दूंगा आपको। आप कहेंगे कि आरक्षण 70 साल में मिल गया तो अब तो दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग और ये सारे लोग आगे हो गए। मैंने अभी आपको आंकड़ा दिखाया कितने आगे हुए हैं। आप कहेंगे कि आरक्षण तो 10 साल के लिए मिला था, सवाल नंबर दो। मैं आपसे कहूंगा आपकी जानकारी अधूरी है। 10 साल का आरक्षण राजनीतिक आरक्षण था जो उन जगहों पर मिला था जो राजनीतिक क्षेत्र में निर्वाचन का आरक्षण था। तो अब उनको नरेंद्र शर्मा जी, आता हूं मैं आपके सवाल पे, आऊंगा धैर्य से इस पे बात करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था, तो मैं कहूंगा नहीं, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, वह राजनीतिक आरक्षण था जिसकी हर 10 साल पे समीक्षा होनी थी। राजनीति में मेरा सवाल आपसे है, तटस्थ होकर सोचिएगा, आज जितनी सीटें आरक्षित होती हैं एससी और एसटी के लिए, उन सीटों के बाहर कितने फीसदी दलित और आदिवासी हैं जो सामान्य सीटों पर चुनाव लड़के जीतते हैं? नहीं होते। 15% अगर आरक्षित सीटें हैं तो संसद का आंकड़ा है कि 15% से कम हमेशा प्रतिनिधित्व राजनीतिक रहा है। आज भी सुरक्षित सीटों के बाहर किसी कैंडिडेट को जीत पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। दूसरी बात, जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला, यानी ओबीसी जातियां, ओबीसी जातियों में से राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है? और तीसरी बात, आरक्षण नहीं मिला तो 15% से ज्यादा कभी महिलाएं क्यों नहीं जीत पाई? इसलिए आरक्षण एक तरीका है, आरक्षण एक जरिया है, और आरक्षण वह जरिया है जिससे आप प्रतिनिधित्व देते हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या करता है? गरीबी के आधार पर आरक्षण की संकल्पना कर देता है, जबकि आरक्षण की संकल्पना सामाजिक और सांस्कृतिक थी। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की संकल्पना सामाजिक और शैक्षणिक थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संकल्पना गरीबी की है। भारत सरकार हर साल गरीबी रेखा का निर्धारण करती है। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के लिए अरबों रुपए का प्रावधान होता है कि गरीबी को अमीरी में तब्दील किया जाए। तो आर्थिक सुधार के लिए तो तमाम योजनाएं हैं। आरक्षण आर्थिक समानता का पैमाना नहीं है, आर्थिक समानता का टूल नहीं है। आरक्षण सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सवाल है। यह आप कैसे नहीं समझे? इस बात को समझिए कि गरीबी, अब एक चीज करते हैं। आप कहेंगे कि 70 साल हो गया, नरेंद्र शर्मा जी अभी सवाल कर रहे थे कि जो 2-3 पीढ़ियों से मजबूत हो गए उन्हें आरक्षण की जरूरत है क्या?
आप अचानक एक तर्क करते हैं कि 70 साल तो हो गया, जितना आरक्षण मिलना था सब हो गया, अब इससे कुछ असर नहीं दिखता है। तो मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगा कि जिन जगहों पर आरक्षण लागू नहीं है, क्या उन जगहों पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमांदा और महिलाएं जितना उनको संख्या में होना चाहिए उतना आ पाए हैं क्या? मैं आपसे सवाल करता हूं, बड़ा आसान सा सवाल है, आप मेरा उसका जवाब दे दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, मैं उसका जवाब देते रहूंगा। आरक्षण देखिए बहुत विवादित मसला है, इसलिए धैर्य से हम लोग बात करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, कितने निजी क्षेत्र में दलित, पिछड़े, आदिवासी काम कर रहे हैं, इसका आंकड़ा है क्या आपके पास? क्या निजी क्षेत्र में 80% सवर्ण काबिज नहीं है? क्लास 1 की नौकरियों में, क्लास 2 की नौकरियों में, उदाहरण देता हूं, ब्यूरोक्रेसी में, ये मीडिया में आरक्षण नहीं है। और मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, ब्यूरो चीफ नेशनल लेवल के 86% सवर्ण है, आरक्षण लागू नहीं है, क्यों ऐसा हुआ? दूसरा सवाल, जुडिशरी में आरक्षण नहीं है, जुडिशरी में कितने जज आपके दलित, पिछड़े, आदिवासी बने हैं, आप इतिहास बताइए, यहां आरक्षण नहीं है। यानी जहां आरक्षण नहीं मिला आज भी 70 साल बाद वहां हिस्सेदारी नहीं सुनिश्चित हो पा रही है, इसका मतलब ये कि आरक्षण के बिना इन तबकों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना असंभव है। अब दूसरा सवाल, आप कहेंगे 70 साल तो हो गया, जब असर नहीं हो रहा है तो इसको बंद कर देना चाहिए। तो मैं आपको कोरोना का उदाहरण दूंगा, लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन के की वजह क्या थी कि कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था, लॉकडाउन से कोरोना खत्म होने वाला नहीं था, जैसे आरक्षण से जाति खत्म होने वाली नहीं है। आरक्षण जाति खत्म करने का नहीं है, आरक्षण तो प्रतिनिधित्व का, हिस्सेदारी का सवाल है। आप ये सवाल करते हैं कि 70 साल में खत्म क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जहां जहां आगे बढ़े हैं, पहली बार विश्वविद्यालयों में, पहली बार तमाम जगहों पर, अपने इर्द गिर्द आप देखिए, पिछले 2 दशकों में ही पहली बार व्यवस्थित तौर पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की पहली पीढ़ी आई है। 70 साल में पहली बार पिछले 1-2 दशकों में ये आई है। नंबर दो, कि जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो आज आप क्या ये कहते हैं क्या कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो चार्ट हमारा था कि कुछ हजार कोरोना के केस थे, आज 40 दिन बाद चौथे चरण के लॉकडाउन में आज केस तो 90,000 पहुंच गए, तो आप क्या ये कहेंगे कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, आप ये कहेंगे कि लॉकडाउन होने से रेशियो कम हुआ। यह है आरक्षण। अगर आरक्षण न होता, और मैंने अभी उदाहरण दिया कि अगर आरक्षण नहीं होता तो जहां जहां आरक्षण नहीं है वहां वहां आप खुद सर्वे करिए और मुझे बताइएगा, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, निजी विश्वविद्यालयों में आरक्षण नहीं है, अमेठी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी प्रोफेसर हैं, कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी वहां पर पढ़ने के लिए एडमिशन पाते हैं, और जहां जहां आरक्षण नहीं है, जुडिशियरी, मीडिया, इन जगहों पर कितने लोग पहुंच पाए? तो आरक्षण 70 साल में इतना दे पाया है कि इन पीढ़ियों में पहली बार आत्मविश्वास आया। अब आप दूसरा सवाल करेंगे कि अब मामला यह है कि एक एक धारणा यह बना दी गई कि मेरिट से कंप्रोमाइज होता है। अब मैं मेरिट को क्रिटिसाइज करता हूं और मेरिट का मेरा तर्क सीधा सा यह है, कोरोना में जितने लोग मजदूर, प्रवासी अपना घर छोड़कर के पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, 90% इसमें कौन लोग हैं? जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, 90%। BBC में रिपोर्ट है 16 मई की, आप उसको पढ़ सकते हैं, 90%। इनके बच्चों को आप अशोका यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ कंपटीशन कराएंगे और कहेंगे जिसकी मेरिट ज्यादा होगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो जिसके पास कल्चरल कैपिटल के नाम पर केवल वंचना मिली, उनका प्रतिनिधित्व आप उनके साथ कैसे कराते हैं? मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर दिया, एक मजदूर के बेटे को आप देखते ही ये कह सकते हैं कि ये IAS तो नहीं बनेगा, ये डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन एक घर, और गरीब घर है, उसमें अगर कोई पढ़ने में कमजोर हुआ तो उसको कहते हैं कि तुम पढ़ाई मत करो, उससे कुछ नहीं होना, ना जाओ पिता के साथ काम करो। लेकिन जिसके पास कल्चर, अभी मैं अपना उदाहरण देता हूं,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टॉप करने के बाद मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि यादवों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे। ये कल्चरल कल्चरल अटैक है और यह आपके मनोविज्ञान पर असर करता है। इसलिए मेरिट के नाम पर जो आप तर्क देते हैं वह बहुत खतरनाक तर्क है। उस परीक्षा में अंक प्राप्त करने आप मेरिट कैसे चेक करेंगे, जबकि आपको करना यह चाहिए कि आपको यह देखना चाहिए कि इस बच्चे की स्कूलिंग इस स्कूल में हुई है, प्राइमरी स्कूल में हुई है, इसके तीन पीढ़ी पहले तक कोई नौकरी में नहीं, इसके तीन पीढ़ी पहले तक कोई शिक्षा में नहीं, इसके तीन पीढ़ी पहले होने की गरिमा नहीं पाया है, तो क्या उसका बच्चा मेरिट में उन लोगों के साथ कम्पीट कर पाएगा क्या जिनकी तीन पीढ़ियों से जमीन है, जिनकी तीन पीढ़ियों से शिक्षा है, जिनकी तीन पीढ़ियों से नौकरी है। तो मेरिट का तर्क बहुत खतरनाक है जो दरअसल एक्सक्लूजन का जरिया है, इंक्लूजन का नहीं है। मेरिट के आधार पर आप क्या करते हैं, आपकी पूरी पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है? आप तमाम लोगों के बीच से अच्छे लोगों का चयन नहीं करते, आप छांटते हैं लोगों को और जो बच जाता है वो उसको आप अच्छा कहते हैं। एक्सक्लूजन की प्रक्रिया, इसलिए उस एक्सक्लूजन की प्रक्रिया में जात के नाम पर एक्सक्लूजन के चलते वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कल्चरल कैपिटल नहीं है, सोशल कैपिटल नहीं है कि सुपर स्पेशलिटी जोन में, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, लगातार जब उच्च शिक्षा और उच्च सुपर स्पेशलिटी जोन में आरक्षण की बात आने लगी तो लोग कहने लगे कि अरे ये कम योग्य लोगों से के डॉक्टरों से इलाज कौन कराएगा, ये कम योग्य प्रोफेसरों से पढ़ने कौन भेजेगा अपने बच्चों को, ये कम योग्य जो है नेता ब्यूरोक्रेसी से कौन होगा। तो आप एक बात सोच के बताइएगा, अगर आप आरक्षण विरोधी हैं तो एक तर्क का जवाब मेरे दीजिएगा। क्या आपने कभी यह सवाल मन में महसूस किया कि मेडिकल में जो लाखों करोड़ों रुपए के कोटे की सीटें होती हैं वह आरक्षण नहीं है क्या? क्या सेना के अधिकारियों को दिया जाने वाला आरक्षण आरक्षण नहीं है क्या? आपके मन में आरक्षण का अर्थ ही जाति आता है क्या? विकलांगों को शारीरिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता क्या? क्या क्षेत्र के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता क्या? तमाम राज्य की सरकारें अपने यहां के नागरिकों को क्षेत्र के आधार पर आरक्षण देती हैं। क्या कश्मीरी माइग्रेंट को आरक्षण नहीं है क्या? क्या भाषा का आरक्षण नहीं होता क्या दुनिया में? क्या अमेरिका में आरक्षण नहीं है क्या? आरक्षण है। तो आप बाकी आरक्षण पे कोई सवाल नहीं उठाते। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपने कभी कोई आंदोलन ऐसा देखा? मंडल कमीशन के विरोध में पूरे देश में सैकड़ों लोग, हजारों लोग सड़कों पर आ गए कि ये तो मेरिट से देश बर्बाद हो जाएगा। आपका देश आबाद था। हायर एजुकेशन में 21 जुलाई 1997 को एससी एसटी रिजर्वेशन लागू होता और उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन सितंबर 3, 2007 को लागू होता है। उसके पहले आपके विश्वविद्यालय किस टॉप रैंकिंग में थे जब आरक्षण के लोग नहीं आए थे? मेडिकल कोटे में आरक्षण लागू होता मंडल कमीशन के बाद तो आपने डोनेशन की सीटों पर कभी क्यों सवाल नहीं को उठाया कि करोड़ों रुपए दे करके जो डॉक्टर बनते हैं क्या वो काबिल डॉक्टर थे क्या? लेकिन आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा क्योंकि आपके मन में भरा गया है आरक्षण मतलब जाति, जाति मतलब आरक्षण, आरक्षण मतलब अयोग्य होना, आरक्षण मतलब मेरिट से कंप्रोमाइज होना। क्या डोनेशन वाले लोग मेरिट वाले थे क्या? प्रोफेसर की नौकरी दी जाती है और 99% प्रोफेसर की नौकरी सिफारिश से दी जाती है। परिवार के लोग, परिवार का, रिश्तेदार का, पार्टी का, विचारधारा का, चापलूसी का व्यक्ति प्रोफेसर की नौकरी में बताए आते हैं तो उन लोगों के साथ कौन सा मेरिट का जस्टिफिकेशन हुआ? ये सारे तर्क आपके मन में क्यों नहीं आते? तो इन सवालों के घेरे में जब हम आरक्षण पर बात करते हैं तो दरअसल हम अचानक से बेचैन हो जाते हैं। हम क्यों नहीं तार्किक होकर के तटस्थ होकर सोच पाते हैं? और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय की अवधारणा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है आरक्षण। बीमारी का इलाज नहीं है आरक्षण, दर्द का इलाज है। बीमारी क्या है? अवसर, संसाधन और कल्चरल कैपिटल की बीमारी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, आप आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि इसको जरूर पढ़िएगा। आप नहीं पढ़ते, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। इस रिपोर्ट के 2 प्रावधान लागू हुए, 38 प्रावधान लागू नहीं हुए। डेवलपमेंट का मॉडल जो बना है उसमें भूमि सुधार कहीं नहीं है। दलितों की आबादी आज देश में 16% है
दलितों के पास आज जमीन 1.3% है। हायर एजुकेशन में पूरे देश की पॉपुलेशन के 3% लोग आते हैं और हायर एजुकेशन में आज इन 85% लोगों की भागीदारी 15% है। क्या इस देश सही से चल रहा है? क्या आप नहीं चाहते कि सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो? क्या आपने, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम एक धारणा बना लिए हैं कि जाति जाति के आधार पर यह सब हो रहा है इसलिए गलत है। दरअसल सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय है, संसाधन अवसर और प्रतिनिधित्व की हिस्सेदारी। तो मंडल कमीशन की 38 रिपोर्ट लागू नहीं हुई, 38 रिकमेंडेशन, जिसमें लैंड रिफॉर्म था, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म था, जिसमें कल्चरल रिफॉर्म था, जिसमें एजुकेशन रिफॉर्म है, जिसमें हम लैंगिक भेदभाव को रोकने की बात करते हैं, तो इसको क्यों नहीं किया गया? ये सामाजिक न्याय का बहुत छोटा सा हिस्सा है आरक्षण। आरक्षण तब तक जाति के आधार पर है जब तक जाति के आधार पर भेदभाव बना रहेगा। ये मेरा कहना है। और इसके उदाहरण के लिए सबसे आसान तरीका यह है, खत्म कैसे होगा आरक्षण, खत्म करना मैं भी चाहता हूं। अंबेडकर जो फिलॉसफी रचते थे, एक किताब आपसे गुजारिश है, जरूर पढ़िएगा, जाति का विनाश। अंबेडकर इस किताब में चाहते थे, जो दुनिया बनाना चाहते थे, जाति विहीन समाज। जब तक विभाजन शोषण जाति के आधार पर रहेगा तब तक आरक्षण जाति के आधार पर होगा। EWS तो बहुत गलत चीज है। गरीबी रेखा के नीचे अरबों रुपए दिए जाते हैं, गरीबी उन्मूलन आप नहीं कर पा रहे, आरक्षण देके कैसे कर पाएंगे? आरक्षण तो केवल दो जगह, शिक्षा और रोजगार में। आप शिक्षा को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सारे सरकारी संस्थानों को बर्बाद करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, तो आरक्षण तो वैसे ही खत्म है। सारी नौकरियों का 3% नौकरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब में सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन में ब्राह्मणिकल पूंजीवाद इस पूरे मसले का जरूर है। ये सारी चीजें मिलकर के आरक्षण और सामाजिक न्याय की हत्या कर रही, ये मेरा कहना है। तो आरक्षण एक निदान है जिसने कम वक्त में उन तबकों को इतना हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व दिया जैसा कोई और दूसरी योजना नहीं दे सकती थी। अगर आरक्षण न होता तो ये तबके आगे नहीं बढ़ पाते। जो ओवर रिप्रेजेंटेटेड है, यानी सवर्ण तबके को EWS आरक्षण मिलता है। जब ओवरऑल पॉपुलेशन देखेंगे तो उनकी पॉपुलेशन 15% है, कास्ट सेंसस आप देखिए और गूगल करके देखिए, तो 15% सवर्ण तबका आज देश के संसाधनों में, नौकरियों में, जमीन में, संपत्ति में 85% है। तो जो ओवर रिप्रेजेंटेशन जिसका है कास्ट के बेस पर, क्या उसको कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन की जरूरत है क्या? जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है उसके लिए ना आरक्षण है। तो ये डिबेट है। इसलिए जो आपके सवाल है ना, वो पूर्वाग्रह पर आधारित सवाल होते हैं। अरे ये तो पीढ़ियों से आरक्षण मिल रहा है, ये सब चीजें खत्म नहीं होगी। जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करिए, जाति विहीन समाज बनाइए, और उसके लिए अंबेडकर ने कहा अंतर जाति विवाह और रोटी बेटी का संबंध, खान पान। जितने अपर कास्ट हैं, जातियां नहीं टूट रही हैं, जातियां तो ओबीसी में भी आ गई, दलितों में भी आ गई, अलग अलग छोटी छोटी जातियां आपस में बट गई। जिम्मेदारी किसकी है? जिस प्रकार अमेरिका के व्हाइट्स ने आंदोलन खड़ा किया कि ब्लैक्स के खिलाफ कोई चीज नहीं होनी चाहिए भेदभावपूर्ण, तो भारत के अपर कास्ट क्यों नहीं सड़कों पर उतर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा आंदोलन कभी नहीं मिलेगा। आर्य समाज एक कोशिश करता है, लेकिन आर्य समाज उस धार्मिक कलेवर के बीच बात करता है, जाति खत्म करने की बात नहीं करता, जाति भेदभाव कम करने की बात करता है। और इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि जब तक जाति के नाम पर शोषण बना रहेगा तब तक आरक्षण जाति के नाम पर। कुलपति 36 ओबीसी, 6 एससी, 6 एसटी, 450 अपर कास्ट। जुडिशियरी में 98% अपर कास्ट। मीडिया में 86% अपर कास्ट। 86 कैबिनेट सेक्रेटरीज में 6 रिजर्व कैटेगरी के, 80 अपर कास्ट। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर में 0 ओबीसी, एससी 3.47%, एसटी 0.7%। असिस्टेंट प्रोफेसर में 70% अपर कास्ट। एसोसिएट प्रोफेसर में 92% अपर कास्ट। प्रोफेसर में 95% अपर कास्ट। तो
तो जाति का विनाश जब तक नहीं होगा तब तक जाति के नाम पर आरक्षण बना रहेगा और उसके बिना यह खत्म नहीं होगा। तो ये मेरी बात है, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ बातें आपके कमेंट के आधार पर भी की जाए। जी आप सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र गौतम सर। सभी जाति को समान अधिकार आरक्षण मिलना चाहिए। मैं कहता हूं अब बलजीत मलिक जी कि हम एक एक मांग कहते हैं कि देखिए 60% आरक्षण तो हो गया ना, कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के बाद 60% हो गया। क्या यह सही नहीं है कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसको उतना आरक्षण दे दिया जाए? क्या एक 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 जस्टिफिकेशन इसका नहीं होगा कि इस देश में जिसकी आबादी जितनी है उसको उसका हक दे दिया जाए? कोई अतिरिक्त मांग नहीं कर रहा है। जिस कास्ट की जितनी पॉपुलेशन है उसको उतना रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, यह है आरक्षण की लड़ाई। तो सबको आरक्षण, इसीलिए कास्ट सेंसस की हम मांग करते हैं। कास्ट सेंसस करके आप आंकड़े निकालिए, जितने आंकड़े में जो जातियां ओवर रिप्रेजेंटेड हो गई उनको बाहर करिए, जो अंडर रिप्रेजेंटेड हो गई है उनका भी आंकड़ा जारी करिए। तो आप कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराते? क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमिक सेंसस में यह पता गया कि 1% पॉपुलेशन के पास इंडिया के 73% पॉपुलेशन का जो रिसोर्स है, जो वेल्थ है, संसाधन है, वो 73% पॉपुलेशन का 1% के पास है। उसी तरह से जिस दिन कास्ट सेंसस हो जाएगी ना, उस दिन देश में आंकड़ा आ जाएगा कि 15% लोगों के पास 85% संसाधन। इसलिए कास्ट सेंसस सबसे जरूरी है। और कास्ट सेंसस से हम रिजर्वेशन, हम चाहते हैं रिजर्वेशन खत्म हो जाए, हम तो और हीन भावना से देखे जाते हैं। हर जगह हमको तिरस्कृत किया जाता है कि आप तो आरक्षण वाले हैं, जबकि हम कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो, लेकिन जाति के नाम पर भेदभाव खत्म हो, जाति खत्म हो। सतीश कुमार जी कह रहे हैं जब तक जाति आधार रहेगी तब तक नहीं हो पाएगा, आर्थिक आधार लेना पड़ेगा। मुश्किल है सतीश जी, आर्थिक आधार पर भेदभाव उस तरह से नहीं है। पूंजीवाद एक एक बात है, मार्क्सवादी विचारधारा हमेशा ये कहती थी कि पूंजीवाद आए तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि पूंजीवाद ब्राह्मणवाद के साथ एक गठजोड़ कर चुका है, कि पूंजीवाद में रेस्टोरेंट में जाने पर तो जातिवाद नहीं दिखता है, लेकिन जातिवाद पूंजी के साथ उस जगह पर है कि कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है, जितने कैपिटलिस्ट बने हैं उसमें सारे लोग किस जातियों के हैं। तो पूंजीवाद के जरिए दुनिया में कहीं भी इस तरह के भेदभाव खत्म नहीं हो पाए। तो भारत में इसीलिए वामपंथ के ऊपर एक चुनौती रहती है कि जाति पूंजीवाद से कोई सीधा रिश्ता नहीं जुड़ा है, इसलिए आर्थिक आधार पर नहीं दे सकते आप। आर्थिक आधार पर भेदभाव उस तरह से नहीं है जिस तरह से जाति के आधार पर है। इंटरव्यू में नंबर उसी जाति का गरीब व्यक्ति भी आया और उसी उसी के बगल में एक दूसरी जाति का गरीब व्यक्ति है, दोनों में से झुकाव किसकी तरफ होगा? दिल पे हाथ रख के बताइए, आदर्श मत बताइएगा। आपकी दोस्ती में सबसे ज्यादा दोस्त किस जाति के हैं? आप शादियां किस जाति में कर रहे हैं? आप सबसे ज्यादा हित आपके जीवन में आदर्श नहीं होते, इसलिए ये नहीं। फुरकान अली जी, आज के समय में जातिगत समस्याएं क्यों आई, ऐसा सिर्फ सरकार ने करा? नहीं, सरकार तो एक सरकार जैसा समाज होता है वैसी चीजें होती हैं। समाज में अगर दलित घोड़ी चढ़ करके जाएगा बारात करने तो 2019-20 में मारा जाएगा, तो सरकारें उसको प्रश्न देती हैं। 2019-20 में ऊना कांड होगा, सहारनपुर कांड होगा, हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। अभी नीट का एग्जाम हो रहा है पीजी में, मेडिकल में ओबीसी रिजर्वेशन जीरो है, ओबीसी रिजर्वेशन। क्या आपको ये गलत लगता है? अगर गलत लगता है तो क्या आपने इसके लिए आवाज उठाई? तो क्या इसकी ओबीसी की लड़ाई केवल ओबीसी लड़ेगा, दलितों की लड़ाई केवल दलित लड़ेगा? क्यों सवर्ण लोग नहीं इसकी? क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते। हमारे लिए रूट आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया है कास्ट, इसलिए जाति का विनाश अंबेडकर लिखेंगे, गुलामगिरी फूले लिखेंगे, लड़कियों के लिए पहला स्कूल दलितों महारों के लिए ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले खोलेंगी। और देश दुनिया की चिंता कौन करेगा? सवर्ण करेगा। दलित कितना भी अच्छा हो जाएगा वो दलित चिंतक, दलित साहित्यकार, दलित बुद्धिजीवी, दलित पत्रकार कहा जाएगा, और अपर कास्ट पे आप हैं तो आप ब्रह्मांडीय चिंतक माने जाएंगे। तो जिम्मेदारी किसकी है, ये एक एक सवाल है जिसको सोचना होगा। शंभू जी कह रहे हैं अभी तो कहीं भी यह भेदभाव, मैं तो अभी भी कह रहा हूं
ऊना सहारनपुर अभी हो रहा है, रोहित वेमुला को अभी मारा गया, कास्ट के आधार पर भेदभाव हो रहा है। आईआईटीज आईआईएम में सबसे ज्यादा सुसाइड केस जाति के लोगों के बच्चे करते हैं, ये आंकड़े आप निकाल लीजिए। आज देख लीजिए जहां आरक्षण नहीं लागू है, अपना आंकड़ा आप निकाल लीजिए कि वहां कितने लोग दलित पिछड़े आदिवासी आ पाए। आज आप अपने आसपास देख लीजिए कितनी जमीनें इन लोगों के पास आई हैं। इसीलिए जाति जनगणना एक ऐसी चीज होगी कि अगर कोई ओवर रिप्रेजेंटेड है उनको बाहर करिए, लेकिन जो अंडर रिप्रेजेंटेड है उसको तो आप हक देंगे ना। आज मंदिर पर 70% प्रतिशत कब्जा, अब वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर काफी पैसा लगा अगर ये हाँ ये ठीक बात है, ये तो एक सामान्य सी बात है कि सरकारें हर हर पार्टी के लोग जाति के नाम पर चुनाव कैंडिडेट निर्धारित करते हैं। हम भारतीय माने न माने जाति के नाम पर वोट देते हैं, शादी जाति में करते हैं, जाति के लोगों के साथ एक अदृश्य सा रिश्ता बनाते हैं और हमारा यूटोपिया ये है कि जाति तो खत्म हो गई, जाति तो आते ही नहीं हमने, ये चीजें मुश्किल है। नरेंद्र शर्मा जी, जो जाति के आधार पर दो पीढ़ियों से संपन्न है उसको कैसे आप देखते हैं? मेरा मानना है कि जो जिसकी पीढ़ियां 5,000 साल से जाति के नाम पर आत्मविश्वासहीनता का शिकार बनाई गई और मनुष्य ही नहीं मानी गई, वो दो पीढ़ियां क्या है? एक एक नरेंद्र शर्मा जी, आपको एक सुझाव दूं, अगर ब्राह्मण जाति के लोग सदियों से शिक्षा और रोजगार में सदियों से आज तक सबसे ज्यादा हैं, तो क्या ब्राह्मण जातियों में उन लोगों को क्या यह आप सीख देंगे कि जो लोग सरकारी नौकरी में एक जाति के सबसे ज्यादा हो गए, अब वो कम से कम 3 पीढ़ी तक सरकारी नौकरी उस क्षेत्र में नहीं लेंगे? जैसे प्रोफेसर, अगर ब्राह्मण जाति के लोग प्रोफेसर में सबसे ज्यादा हैं, तो क्या आप ये नियम बनाएंगे कि अब 3 पीढ़ी तक आप ब्राह्मण लोग प्रोफेसर नहीं बनेंगे? नहीं बना पा रहे ना। तो ये सदियों के वंचित लोग अभी 2 पीढ़ी में आए। आईएएस बने हुए लोगों को, डॉक्टर अंबेडकर तो बाहर से पढ़ के कैम्ब्रिज से आए थे ना और नौकरी करते थे, बड़े अधिकारी थे, और जो चपरासी था उसने जाति के आधार पर उनको पानी देने से मना किया ना, तो कैसे जाति चली गई? अभी 2016 और कन्नन गोपीनाथन आईएएस थे, इनको ब्राह्मण चपरासी देने से पानी मना किया, तो जाति नहीं जाती, आईएएस बन जाए। रामनाथ कोविंद अभी उड़ीसा गए थे, मंदिर में गए, उसके बाद मंदिर धुलवाया, कहां गई जाति? अखिलेश यादव ओबीसी जाति के हैं और जब उनके मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ जो है रहने गए तो पहले गंगा जल से धुलवाया, ये जाति तो आज भी है ना। तो ये पीढ़ियों के आधार पर कैसे आप देखेंगे? सदियों से वंचित पीढ़ियां हैं नरेंद्र शर्मा जी, एक बार सोचिएगा कि अपर कास्ट में सारा कब्जा ब्राह्मण लोगों का ही क्यों है, बाकी छोटी छोटी जातियां अपर कास्ट की कहां हैं? ये एक सवाल आपको सोचना होगा, इसीलिए जाति जनगणना में सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सुरेंद्र पाल सिंह, क्या राजनीतिक आरक्षण से चुने गए प्रतिनिधि दमित दमकों की आवाज उठा सकते हैं? मुझे लगता है कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसमें पॉलिटिक्स का के हाथ अब कुछ बचा नहीं है। मैं एक किताब का जिक्र करूं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, सुने होंगे आप इस किताब के बारे में, चमचा युग है कांशीराम की। तो जो आप कह रहे हैं ना सुरेंद्र पाल सिंह जी, ये वही चमचे लोग हैं, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। समाज को सांस्कृतिक, अकादमिक और सामाजिक स्तर पर कोशिश करनी होगी कि हम एक समतावादी, सबके लिए बराबरी का समाज बनाएं, किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। समाज चाहेगा तो राजनीति। सुनील कुमार थुआ जी लिखते हैं, सेना में अवसर आरक्षण नहीं है, वहां योग्य अभ्यर्थियों न मिल पाने के कारण पोस्ट खाली पड़ जाती है। पता नहीं मैं कैसे देखता हूं, राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो भर्ती होते हैं उसमें देखिएगा 3 जाति के लोगों को ही आवेदन करने का हक है। मैं तो कहता हूं कि जहां आरक्षण है वहां देखिए ना कौन कंपीट कर रहा है और कहां अदृश्य आरक्षण है, इसको लेकर के आप देखेंगे तो ये तर्क बहुत झूठा है कि योग्य लोग नहीं मिल रहे। दरअसल हम खोजना नहीं चाहते, हम ना हम इस चीज का इंतजार करते हैं कि एक कमजोर दलित मिल जाए तो उसको हम आगे रख के कहें कि देखो नाकाबिल लोग हैं ये, और क्वालिटी कंप्रोमाइज होगा, देश दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। जबकि मैं तो एक सवाल पूछता हूं, विश्वविद्यालयों में आरक्षण 2007 में ओबीसी का लागू हुआ, 97 में SC ST का लागू हुआ, दुनिया की टॉप रैंकिंग में आपका कोई भी विश्वविद्यालय क्यों नहीं है? जितने इस्तेमाल करते हैं खोजें दुनिया में बाहर हो रही है, आपके देश में क्या है? पता है, क्योंकि जो कामगार जातियां थी उनको आपने मौका नहीं दिया, जो जो इनोवेटिव आइडियाज के थी, जो श्रमजीवी थी
उनको आपने शिक्षा संस्थानों, रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से बाहर रखा, इसलिए आप फिसड्डी, आप कोई खोज नहीं कर पाते। बाहर की खोजों को आप इस्तेमाल करते हैं, आप अपने यहां कुछ खोज नहीं कर पाते, क्योंकि जहां आप ब्रेन स्टॉर्मिंग थी वहां आपने कास्ट देख करके 85% जनता को उससे बाहर कर दिया। इसको सोचिएगा कभी। अनिल पारीक जी कह रहे हैं, अगर 70 साल में बीमारी ठीक नहीं होती, मैंने अभी कोरोना का उदाहरण आपको दिया है, लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन ने कोरोना को रोका है, और लॉकडाउन से बेहतर विकल्प अभी आपके पास नहीं है। आरक्षण से बेहतर विकल्प आपके पास नहीं है। आरक्षण ने 70 साल में एक पीढ़ी पैदा की है, एक बराबरी का समाज बनाया है, जिसमें वो पीढ़ियां पहली बार निकल के आई हैं विश्वविद्यालयों में, सार्वजनिक संस्थाओं में, जिनके पुरखे कभी पढ़ने का मौका नहीं पाए थे। तो अगर आपके पास आरक्षण से बेहतर विकल्प है, तुरंत आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए, और तुरंत ऐसा कोई व्यवस्था लानी चाहिए जिससे 15% दलित, 7.5% SC और 54% OBC, ये सारे लोग, पसमांदा महिलाएं कहां हैं भाई? महिलाओं पर आप क्यों नहीं बात करते? जेंडर को लेकर के सबसे ज्यादा अमानवीय हम हैं कि नहीं है? हम जब भी आरक्षण की बात करते हैं, हम केवल कास्ट की बात करते हैं, क्योंकि सहूलियत होती है, और जेंडर डिस्कोर्स में हम कभी नहीं जाते। तो 70 साल में बीमारी नहीं ठीक हुई, इसके पास आपके पास आंकड़े कहां है? अनिल जी आंकड़े के लिए मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना हो, सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में आए और बताया जाए कि 70 साल में इन जातियों ने आरक्षण कितना फायदा उठाया, उनको बाहर किया जाए। जिन जिन नौकरियों में आरक्षण पाने वाली जातियों की भागीदारी बढ़ गई है, उनको उन नौकरियों से बाहर करिए आरक्षण से, लेकिन जातियों के आधार पर खोजिए। तो आंकड़े नहीं है। आरक्षण और सामाजिक न्याय की बहसें सबसे उथली बहसें होती हैं, क्योंकि हम आंकड़े नहीं जुटाते। अगला सवाल, देश हरियाणा, ज्ञान का वर्ग चरित्र भी है, जो ऊपरी क्लास है वो जानता या उसकी जरूरत के अनुसार ही सवाल पूछे जाते हैं, ना कि गरीब मजदूर श्रमिक जो जानता है। हाँ ठीक बात है, ज्ञान ही नहीं, मैं तो कहता हूं सत्ता तंत्र की अपनी हेजमनी है, और जहां जहां उसको डिस्क्रिमिनेशन का जो भी बेसिक पॉइंट मिलता है, उसके बेस पर वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ज्ञान का ही नहीं, सत्ता के संस्थानों का भी, प्रतिष्ठानों का भी एक हेजमनी है, और उससे वो अपना काम करते हैं। अनिल प्रतीक जी, हमने आपका जवाब दे दिया है, आंकड़े जुटाइए। अनिल जी, मैं भी आपके साथ आऊंगा। NSSO के आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा जेल में अंडर ट्रायल लोग SC ST OBC के हैं, सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट रेट SC ST OBC का है, सबसे ज्यादा सीटें खाली छोड़ने का रिजर्वेशन की सीटें हैं। रिजर्वेशन कोई ऐसी जगह पे नहीं है जहां ओवर रिप्रेजेंटेट हो गए हो अनिल प्रतीक जी, इसलिए आप आंकड़े जुटाने की बात करिए। मैं आपके साथ सबसे आगे आगे कहूंगा खत्म करो आरक्षण। और अनिल पारिक जी जो एक जरिया बता रहे हैं कि अब आरक्षण की जरूरत नहीं है देश को, वह नियम लागू करो, मैं आपका साथ दूंगा अनिल जी। नरेश सैनी जी बहुत शुक्रिया, सुनील थुआ जी बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल? पूंजीवाद वाली बात हमने कर दी है। आज सामाजिक न्याय और आरक्षण पर सबसे बड़ा खतरा प्राइवेटाइजेशन का है। स्टेट देखिए, जिस देश में सबसे ज्यादा विषमता हो आंतरिक, कास्ट, क्लास और जेंडर को लेकर के, वहां स्टेट अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करेगा और प्राइवेटाइजेशन करेगा, तो प्राइवेटाइजेशन हमेशा जो हेजिमनी है उसके पक्ष में जाएगी। तो प्राइवेटाइजेशन ब्राह्मणिकल है, प्राइवेटाइजेशन एंटी जेंडर जस्टिस है, इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। बहुत शुक्रिया। बाकी और किसी का कोई सवाल हो? ST गर्ल्स कम से कम योग्यता तो निर्धारित हो। नरेंद्र शर्मा जी फिर लिख रहे हैं 10% ST गर्ल्स प्राध्यापक बन रही है, 10%। अनिल जी, नरेंद्र शर्मा जी, अभी शायद आपने आंकड़े नहीं देखे हैं। नरेंद्र शर्मा जी शायद आपके हरियाणा का आंकड़ा है कि माइनस अंक पर पाने पर EWS रिजर्वेशन पर उनको एडमिशन दिया गया है एजुकेशन सिस्टम में। एक बार खोजिए नरेंद्र शर्मा जी, ये चूक किसकी है? EWS रिजर्वेशन आपके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आया, और EWS रिजर्वेशन में न्यूनतम मेरिट पर यह सब हो रहा है, तो आपके साथ वो बच जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं मेरिट का पूरा कॉन्सेप्ट ही प्रॉब्लमेटिक है। मेरिट में दो बिल्कुल गैर समान पृष्ठभूमि के लोगों को समान रूप से अवसर दिलाया जाता है। एक पता नहीं आपने वो फोटो देखा है कि नहीं, एक दीवार है और एक दीवार पर तीन ऊंचाई के लोग खड़े हैं, तीन ऊंचाई के लोग, उसमें एक की हाइट कम है और दूसरे की हाइट थोड़ा मीडियम है, तीसरे की हाइट जाता है।
तो तीनों को एक एक बक्सा दे दिया जाता है और दीवार पर एक व्यक्ति यहां पहुंचता है, तो जो सबसे ऊंचा है वो एक बक्से को लेकर इतना ऊंचा हो गया, दूसरा इतना ऊंचा हो गया, तीसरा इतना ऊंचा हो। तो हम कहते हैं कि ये इक्वल मेरिट है, जबकि होना क्या चाहिए, सबसे कमजोर को सबसे ज्यादा मौका दिया जाए ताकि वो सबसे मजबूत के बराबर आए। कास्ट को लेकर के हम गलत धारणा बनाए हुए हैं मेरिट की, इसलिए मेरिट सबसे झूठी चीज है। सुनील थुआ जी कह रहे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में कितने लोग, अब बिल्कुल नहीं, वो तो पुजारी लोगों का कब्जा है। भूपेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं आरक्षण से आरक्षण भी सिर्फ कुछ लोगों का ही लाभ मिलता है, एक ही परिवार के लोग बार बार लाभ लेते हैं। मैंने भूपेंद्र जी, मैं आपके लिए भी एक सलाह अभी दिया हूं, उसको आप लोग सवाल उठाइए, कास्ट सेंसस हो, आंकड़े जारी किए जाएं और ये बताया जाए कि अमुक अमुक नौकरियों में अमुक अमुक परिवारों ने इतने परसेंट सीटें ज्यादा कब्जा कर ली हैं, तो उन नौकरियों में उन जातियों और उन परिवारों को बाहर कर दिया जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी आंकड़े तो चाहिए ना, क्या ब्राह्मणों के बीच यह आंकड़े नहीं जुटाए जाना चाहिए कि ब्राह्मणों ने किन किन जगहों पर ओवर रिप्रेजेंटेशन कब्जा कर रखा है, और जो सवर्ण कम है, श्रीवास्तव जी लोग हुए, तमाम वैश्य लोग हुए, क्षत्रिय लोग हुए, उनमें तमाम छोटी छोटी जातियां हैं, तो सवर्णों का आरक्षण जिस तरह से ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, उसी तरह से ओबीसी का आरक्षण भी कुछ जातियों ने कब्जा कर रखा है, एससी का। इसके लिए सबसे अच्छा निदान है कि आंकड़े निकाले जाएं और जाति जनगणना के जरिए तय कर दिया जाए कि जो जहां ओवर रिप्रेजेंटेड है उसे उससे निकाला जाए। तो भूपिंदर सिंह जी, मैं आपके साथ हूं, मैं भी चाहता हूं कि उनको आरक्षण न मिले, जिनको चाहिए उनको मिले, लेकिन आंकड़े सबसे बुनियादी जरूरत है। हम बिना तथ्यों के हवा हवाई कहते हैं कि इनको आरक्षण खत्म कर दीजिए, ये मामला है। बाकी और सवाल मैं देख पा रहा हूं। फुरकान अली जी, वर्तमान समय में समाज में जो परिवेश बना हुआ है दूसरों के प्रति, वह कहां तक उचित है, आरक्षण होते हुए भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ठीक बात है, ये मैंने अपनी बात कह दी। दरभंगा में कन्हैया कुमार आए थे और जिस मंच से लोगों को संबोधित किया, दूसरे दिन डोंकी टेकाधारी लोग गंगा जल धोने का काम किए। ठीक बात है, अब शंभू जी कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ राजेंद्र प्रसाद जब बनारस गए तो ब्राह्मणों का पैर धुला, जब राष्ट्रपति ब्राह्मण दलित बना, और जब उड़ीसा गया तो राष्ट्रपति के मंदिर से निकलने के बाद ब्राह्मणों ने उनका पैर, पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया। तो राष्ट्रपति से बड़ा पद तो नहीं ना होता, राष्ट्रपति के साथ भी जाति नहीं छूटी, ये एक मेरा टिप्पणी है इस पे। बहुत शुक्रिया, और कोई सवाल नहीं आ रहा है। जन साधारण लोगों को आरक्षण के बारे में कैसे समझाएं, वीरेंद्र वीरू जी। वीरेंद्र जी, मेरा मानना है कि हम अपने पूर्वाग्रहों को, पूर्व धारणाओं को थोड़ी देर के लिए पीछे कर लें, आरक्षण पर एक खुली बहस हो, आंकड़े निकाले जाएं और हर जातिवार आंकड़े निकलें, और यह सबसे अच्छा तरीका होगा। हर जाति के पास कितनी जमीनें हैं, हर जाति के पास कितनी शिक्षा है, हर जाति के लोगों के पास कितनी नौकरी है, और अलग अलग क्षेत्र में कितनी कितनी नौकरी है। जहां आरक्षण लागू हुआ वहां कितने लोगों की नौकरी है, जहां आरक्षण नहीं लागू हुआ वहां कितने लोगों की नौकरी है, इसके आंकड़े निकाले जाएं, और आंकड़े निकाल करके हम एक नया भारत का खाका बनाएं कि भाई इन इन लोगों का विकास हो गया, इनको अब पीछे करते हैं, जिनका विकास नहीं हुआ उनको आगे करते हैं, तो तब हम जाएंगे। दरअसल आरक्षण को लेकर के नीयत साफ नहीं है, पॉलिटिशियन की नीयत साफ नहीं है, आरक्षण विरोध करने वाले लोगों और समर्थन करने वालों की नीयत साफ नहीं है, इसलिए आरक्षण सबसे विवादित बन गया। हम लोग एक नए ढंग से इस डिस्कोर्स को ले आए, जाति जनगणना करें, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व हो, और हम शायद संविधान के आधार पर किसी का हक छीनने की बात नहीं कर रहे, लेकिन सबको सबका हक मिले उसके लिए हमें ये बात करनी होगी न्यायालय के जरिए। हाँ ठीक बात है जगदीश जी, मैंने यही कहा कि आंकड़े के बिना पूरे आरक्षण की बहस और पूरे सामाजिक न्याय की बहस बिना आंकड़ों के होती है, सबसे बड़ा विडंबना है। बिना आंकड़ों के हम हवा हवाई कहते हैं, अरे दलितों में तो सब एक ही परिवार के लोग हैं, भाई कहाँ आंकड़े, कितने परिवार हैं दलितों के, ओबीसी में सब एक ही जाति के लोगों ने कब्जा किया, आंकड़े बताइए। तो ये सब चीजें हैं, न्यायपालिका के जरिए क्या हो सकता है मैं बहुत उम्मीद नहीं करता हूं, जबकि न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। नियम कानून बनाने का प्रावधान अगर नहीं होगा,
जहां से देश चल रहा है, जहां से पूरा पूरा सिस्टम चल रहा है, अगर वहां सबकी हिस्सेदारी नहीं होगी, कल्पना करिए कि देश चलाने में महिलाओं की भागीदारी नहीं है, देश चलाने वालों में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भागीदारी नहीं, देश के अलग अलग क्षेत्रों की भागीदारी नहीं, भाषाओं की भागीदारी नहीं, तो फिर देश के लिए नीतियां बहुत दिक्कत तलब बनेंगी। यह विडंबना है, इसलिए हमें इसका विरोध करना होगा। और मुकम्मल मुल्क तब बनेगा जब जिसको जिसका हक है उसको उसका हक मिल जाए। आरक्षण का अर्थ किसी का हक छीन करके किसी और को देना नहीं है। आरक्षण का हक यह है कि जिसको जिसका हक है उसको मिल जाए। और जिस दिन आरक्षण से बेहतर कोई नीति बन जाएगी कि सबको सबका हक मिल जाए, तुरंत आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। यही मेरी आखिरी बात है। मैं देश हरियाणा के आयोजकों को बहुत धन्यवाद करता हूँ, सुभाष चंद्र जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी लोग जो मुझसे जुड़े, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों तक मैंने अपनी बात पहुँचाई। फिर मौका मिला तो हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।